का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट जो प्रोग्राम में आया उसके लिए बहुत बहुत दिमा हसाओ का तरफ से और लांगसूरे गांव से हम लोग वेलकम करता हूँ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को। आज मैं उमरांगसू में आया, हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक दिन में, थोड़ी ही दिन में, एक दिन में आ जाऊंगा और आप लोग का पास एक रात रुक के मैं जाऊंगा, आप लोग का साथ घूमूंगा और पूरा उमरांगसू साइकिल या मोटरसाइकिल से घूमूंगा, सबको साथ मिलूंगा। ठीक है, वेलकम बैक अगेन टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल आज का व्लॉग मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आज मैं अभी फिलहाल गोल्फ फील्ड पर हूँ। सुबह 1 o'clock से हम लोग यहाँ पर आया है हरा भैया के साथ, लोग देख सकता है यहाँ पर है तो हम लोग सुबह से आया है, हम लोग आज आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम डिमा हसाओ पे आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर जी आ रहा है, इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर को। अभी यह गोल्फ पे वो लैंडिंग होगा क्योंकि हेलीकॉप्टर से आएगा एंड यहाँ पर बहुत सारा लोग वेट कर रहे हैं इसका। आप लोग बैक साइड पे देख रहे होंगे बहुत नीचे में है हम लोग, यहाँ पर गच्ची है, गोरम है बोल के गच्ची का नीचे भी हम लोग वेट कर रहे हैं। एंड साथ में आ रहा है हम लोग का डिमा हसाओ का CEM देबूलाल गोरलोसा एंड इसके साथ में दूसरा EM लोग भी आया है। आज का प्रोग्राम है कि 15 KM लांगसूरी विलेज में स्कूल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डे है, तो इस वहाँ पे मेन प्रोग्राम है, इसके लिए आया है शाहरुख, तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। एंड फर्स्ट ऑल हम लोग यहाँ शुरुआत से हम लोग देख के एंड यहाँ से हम लोग सर का पीछे पीछे जाके वहाँ का प्रोग्राम भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहना एंड वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। हर जगह में पुलिस ही पुलिस है एंड दूसरा कोई नहीं है, हम लोग दोनों ही है सिर्फ यहाँ पे एंड हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी तक अभी 10:30 पार हो चुका है, अभी तक नहीं आया सर शू, फिर भी ठहरता है कितना तक सकता है पहुँचने का, तक हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। वहाँ पर लैंडिंग होगा, लैंडिंग प्लेस बनाया है, लैंडिंग एरिया ना, यहाँ पर लैंडिंग होगा। हाँ आ गया आ गया, हम आ गए। चीफ मिनिस्टर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं हेलीकॉप्टर। वेडी तो उस तरफ जाता है,
सारा रहा है जो वह ब्लू मिक्स और वाइट साथ लगाने वाला टू है। सर अभी फिर जाएगा 15 गेम पे। माँ सर से तो दूर तो चला गया है 15 गेम पे, तो अभी हम भी यहाँ से जाएंगे 15 गेम एंड वहाँ पर देख सकते हैं पूरा लाइन सिगारी भीड़ है। अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, मिलते हैं 15 गेम पहुँचने के बाद। तो आज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग भी निकल गए हैं यहाँ से गोल्फ से एंड अभी हम लोग जाएंगे 15 गेम पे वहाँ पे लॉन्च स्क्रीन पे एंड सर भी आगे चलाई गया बूट आगे चलाई गया बूट से, तो मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। फिर अभी हम लोग मेन रोड पहुँच गए और यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू सिटी मासव एंड हम लोग स्टार्ट। जा रहे हैं अभी मार्केट की तरह, अब वीडियो पर बनी रहना गाइस, सर होने वाला है पहुँचने वाला है अपनी यहाँ से 7 किलोमीटर होगा। पहुँच गए हैं 15 KM, क्या पर अंतर होगा अभी तो अभी यहाँ पर हम लोग अंतर होगा एकदम। पहुँच के बाद ना बीर कर देंगे वो मोबाइल उठेगा। अभी हम लोग जगह पहुँच गए हैं यहाँ पर, इसका जो फंक्शन है यहाँ पर होगा, लेक्चरर होगा यहाँ पे, और बहुत भीड़ है एंड जगह नहीं मिला था हम लोग, सीट मिलने बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी हम लोग किसी तरीके से दो जगह मिला है, देखता है क्या है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को यहाँ से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आपके इंतजार की घड़ियां अब भी खत्म होने वाली है, जस्ट 2-4-5 मिनट में ही। इसलिए मन को, श्वास को, दिल को थाम करके बैठिए, स्वागत करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां, तालियां रखना नहीं चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उमरांसों में हमारे मुख्यमंत्री सर जी आए हैं हमारे साथ। हमारे मुख्यमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। हमारी दिमाशा रिसा जो दिमाशा पहचान है और ये है सैया तुराम, ये हमारे दिमाशा किंगडम के लास्ट सेनापति थे। एक प्यारे असामिस डॉक्सा के साथ और ये हमारे यहाँ के जनजाति के पहचान के शौक के साथ फिर करेंगे। तो मैं थाउसेंड जी यहाँ के पूर्व छात्र रह चुके हैं हमारे सफर भी करें और ये हो गए कार्बी जॉमन अथोम, ये कार्बी ट्रेडिशन है और वो लोग कार्बी ट्रेडिशन ड्रेस से भी हमारे मुख्यमंत्री जी को फेलिसिटेट करेंगे।
के साथ साथ नेपाली ट्रेडिशन ड्रेस भी। तालियों का कभी आना नहीं चाहिए प्लीज, जोरदार तालियों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरस्वती विद्या मंदिर के वो पूर्व छात्र रह चुके हैं एक असामिस डोंगसा के साथ, जोरदार ताली जी को प्रेजेंट करने के लिए कमिटी मेंबर्स आने के लिए। साथी रोमपाल जी, सेक्रेटरी या मैनेजर, जोरदार। तो आज हम लोग का लांसुरोई गांव पील में जो प्रोग्राम में हम लोग उनका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट जो प्रोग्राम में आया उसके लिए बहुत बहुत दिमा हसाओ का तरफ से और लांसुरोई गांव से हम लोग वेलकम करता हूँ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को, और साथ ही साथ हम लोग उनका ऑनरेबल आसाम सरकार का मंत्री नंदिता गोरलोसा जी और खार्बी आंग्ला ऑटोनोमस काउंसिल का CEM डॉक्टर तुलीराम रोहांग जी, और यहाँ का आप लोग सभी मालूम है हॉस्टल करमपानी हायर सेकेंडरी स्कूल का, और साथ ही साथ हम लोग का यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल। तो यहाँ का जमुना देवी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल इनोग्रेशन करने मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से हम 2009 से एक उल्लू का साथ में हम काम किया है, क्योंकि उल्लू का सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बहुत तकलीफ में था। पहले अपना बेम्बू से बेरा से बना के वो लोग अपना गरीब बच्चा लोग उनका शिक्षा अपना समाज वहाँ पे सिखाता रहा, लेकिन हम लोग का मोदी जी का आशीर्वाद से और हम लोग का चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद से आज का दिन में अच्छा स्कूल हम लोग मिला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली उम्रांशो में आप लोग देखिए, पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आया, चीफ मिनिस्टर भी आया है, लेकिन ऐसा जो हम लोग का जो सरकार ने जो दिया है ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर कोई चीफ मिनिस्टर हम लोग को नहीं दिया था। आप लोग जानता है 1985-86 में इंदिरा गांधी जी भी आया है, लेकिन उम्रांशो के लिए इतना कुछ करके नहीं किया है, अपना देश के लिए करा। हम लोग भी भारत देश के ही है, आसाम देश के ही है, तब भी यहाँ का लोकल के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आज का दिन में नरेंद्र मोदी जी का और हम लोग का डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का आप लोग देखिए, लोंखा से उम्रांशो जाने वाला रास्ता अभी बनना की नहीं बन रहा है, अभी PMK हुआ है। पहले यहाँ से कोयला जाता रहा, लाइमस्टोन जाता रहा, करंट निकलता रहा, बिजली निकलता रहा, हम लोग उम्रांशो का दिमा हसाओ का लोग क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता रहा। लेकिन जब मोदी जी ने आया तब PMKY स्कीम निकाल के हर साल में उम्रांशो एरिया का अफेक्टेड एरिया के लिए काम करने के लिए 7 करोड़ 8 करोड़ देता है अभी नरेंद्र मोदी जी ने। वो पहले भी करना होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं था और हम लोग का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी नहीं था, इसीलिए हम लोग बहुत पीछे रह गया। अभी आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे, ताकत दे रहे, आगे भी बढ़ रहा है और हम लोग आगे बढ़ेगा। हम लोग विश्वास है, हम लोग सब मिल के नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को हम लोग साथ देने से ऐसा मापी स्पीड में हम लोग जाने से दूसरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट को दूसरा दूसरा स्टेट में भी हम लोग मिल सकेगा। इसलिए आप लोग का सरकार में हम लोग आप लोग का सरकार में अभी आसाम में हर शीर्ष में आगे में खराब में 1 नंबर था दिमा हसाओ और खार्बी आंग्लोंग, अभी 1 नंबर में अच्छा शीर्ष में आ रहा है हम लोग उनका मोदी जी का और हेमंत जी का सरकार में हम लोग का सरकार में। तो ये विश्वास आप लोग रखिए और हर साल में पहले पढ़ाई लिखाई में हम लोग क्लास का 2-3 नंबर में जाता रहा, लेकिन इस पर हम लोग फर्स्ट सब में और आसाम में 2 नंबर में दिमा 1 नंबर दिमाजी 2 नंबर दिमा हसाओ है अभी मैट्रिक पास परसेंटेज में, और सेकेंड ईयर में हम लोग 5
नंबर में है। तो ऐसा परिवार, ऐसा देश, ऐसा सरकार हम लोग चलाना है, तब हम लोग का नौजवान लोग भीमा हासाओं का और उम्रांशों का आगे बढ़ेगा। और हम आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा हम लोग का डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी आके और बाकी उनका टीम, उनका कैबिनेट हम लोग का भीमा हासाओं को आगे से ऐसा दूसरा सरकार अगर माया होता रहा तो ऐसा तकलीफ में हम लोग जीने नहीं लगता रहा, ऐसा तकलीफ नहीं मिलता रहा। लेकिन अभी मोदी जी को और हेमंत जी को पूरा विश्वास करके हम लोग अभी सरकार चलाएगा, एक साथ मिलकर चलेगा आगे आगे, अलग अलग ट्राइबल नॉन ट्राइबल ओमो कम्युनिटी से झगड़ा लगता रहा, लेकिन अभी मोदी जी आने के बाद में, हेमंत जी आने के बाद में अभी सब शांति है, पढ़ाई लिखाई पूरा ठीक करके हम लोग काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग का दुर्गा माई का भी पूजा स्टार्ट हो गया है, सबका शुभकामना है। और भारत माता की थैंक यू जुठाई। हम लोग हाफलॉन्ग में हेलीकॉप्टर से खाना को ड्रॉप किया, दिमा हसाओ जिला का लोगों को हम लोग कष्ट में रहने के लिए नहीं दिया। अभी भी हमारा आगे एक बहुत बड़ा प्लान है, दिमा हसाओ जिला का कंप्लीट रोड नेटवर्क को नया तरफ से बनाने के लिए। मैं आज अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगले साल 5 महीना में हम एक बहुत बड़ा अच्छा खबर दिमा हसाओ जिला का लोगों के लिए देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, सरस्वती विद्या निकेतन एक विद्या का मंदिर है। हमारा स्कूल में एजुकेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रभक्ति हम लोग नहीं सीखता हो तो क्या होता है, शरीर तो मिल जाता है लेकिन शरीर में आत्मा नहीं होता है। हम तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बन के अगर हम क्या करूँगा, अगर भारत को हम सम्मान नहीं करता हूँ, भारत को हमने प्यार नहीं करता हूँ, भारत माँ का हम लोग जयगान नहीं करता हूँ। सरस्वती विद्या निकेतन में पढ़ाया भी होता है, हमारा सनातन संस्कृति का गुणगान भी होता है, हमारा पहाड़ का संस्कृति का गुणगान भी होता है और भारत माता का जयगान भी होता है। इसीलिए ये सरस्वती विद्या निकेतन उम्रांशु में आज हुआ है। 10 जगह में उम्रांशु के साथ मिलकर 10 जगह में हमारा सरस्वती विद्या निकेतन चल रहा है। मेरा तो मन यही है, कार्बी आलम का हर काउंसिल में 26 तो सीट है, 26 जगह में एक सरस्वती विद्या निकेतन होना चाहिए। दिमा हसाओ में भी 26 सीट है और 26 जगह में एक एक सरस्वती विद्या निकेतन होना चाहिए। इसके लिए आसाम सरकार को जो भी मदद करना है, आसाम सरकार आगे जाके मदद करते रहेगा। भाई और बहनों, खास करके मेरा युवा साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ, अभी देखिए आसाम में नौकरी मिलने के लिए रुपया पैसा का जरूरत नहीं है, वो दिन हम खत्म कर दिया हो। अभी थोड़ा दिन पहले हमारा असम में पुलिस का नियुक्ति हुआ, 50 लेर का दिमा हसाओ से नौकरी मिला, गरीब घर से नौकरी मिला, 3 सब इंस्पेक्टर बना और देखते देखते APSC से 40 से ऊपर ऑफिसर आज हमारा दिमा हसाओ जिला से आज हमारा सरकार में सेवा कर रहा है, सर्विस में है। अभी आगे दोबारा APSC का रिजल्ट देने जा रहा है, उसमें भी दिमा हसाओ का लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। इसलिए दिमा हसाओ का लड़का लोग हिल्स टाइप का कोटा भी मिलता है, साथ साथ में यहाँ में शांति और एकेडमिक का एक बहुत अच्छा वातावरण बन चुका है। भाई और बहनों, हम लोग को शिक्षा में समय देना चाहिए। मैं गालोसा साहब को भी बोल रहा हूँ कि आसाम में हर नौकरी में 5% हिल्स टाइप का कोटा है, लेकिन हमारा दिमा हसाओ और कार्बी आलम का लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करता है। आज का दिन में हमारा स्टेट में प्लेन्स एरिया में 2000
टेट टीचर का पोस्ट वैकेंट है, किसलिए हिल्स ट्राइब का स्टूडेंट हमारा पास नहीं है। आज आसाम सरकार में कोई सारा नौकरी खुला हुआ है, लेकिन हमारा जिला का लोग गुवाहाटी जाके इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ, दिमाग हंसाओ तो आप लोगों का है ही, लेकिन पूरा आसाम आप लोग का है, ये आप लोग का मन में हमेशा होना चाहिए। दिमाग हंसाओ तो आपका है ही, आसाम तो आपका है ही, पूरा भारत आपका है, ये आपका मन में हमेशा होना चाहिए। तभी हम लोग एक अच्छा एक इंसान बनेगा, अच्छा भारतीय बनेगा, अच्छा असमिया बनेगा, अच्छा डिमासा बनेगा, अच्छा कार्बी बनेगा, अच्छा गोरखा बनेगा, अच्छा असमिया बनेगा, अच्छा बंगाली बनेगा, अच्छा हिंदी भाषी बनेगा। भाई और बहनों, आप लोग सब मिलके आराम से पढ़ा सुना कीजिए। स्किल सेंटर खुला है, स्किल सेंटर से भी आप लोग फायदा लीजिए और हमारा यहाँ से गरीबी को मिटाइए। मैं सरस्वती विद्या निकेतन को भी ये एक परामर्श देना चाहता हूँ और साथ साथ में मैं दिमा हसाव काउंसिल को भी एक परामर्श देना चाहता हूँ। हमारा हिंदी का शिक्षा तो हमारा है ही, वो शिक्षा से हमारा बहुत बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन असम में भी लोग नौकरी करे इसके लिए हमारा स्कूल में एक असमिया सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मीडियम नहीं, एक सब्जेक्ट असमिया का होना चाहिए, तब हमारा लोगों में डर खत्म हो जाएगा और वो लोग गुवाहाटी शिवसागर डिब्रूगढ़ कार्बी अलोंग में भी और आगे जाके कोकराझार धुबरी में भी नौकरी करने का साहस मिलेगा। अभी दिमा हसाव का लोगों का थोड़ा साहस कम होता है, इसलिए गुवाहाटी जाने से डिब्रूगढ़ जाने में असमिया में बात नहीं कर सकता है, थोड़ा मन में ऐसा लगता है ये जगह हमारा नहीं है, लेकिन ये जगह भी आप लोग का है। मैं तो जब दिमा हसाव आता हूँ, कार्बी अलोंग आता हूँ, मैं तो यही मान के आता हूँ कि ये मेरा भी कर्मभूमि है, मेरा भी जन्मभूमि है, इसलिए पूरा असम हमारा है, आप लोग का भी पूरा असम है। इसीलिए हमारा दिमा हसाव में हिंदी का साथ साथ इंग्लिश का साथ साथ असमिया भाषा असमिया भाषा का भी एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, तभी कम से कम हर साल 3 से 5 हजार लोगों का नौकरी मिलने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं उमरांगसु में आया, हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक दिन में थोड़ी ही दिन में एक दिन में आ जाऊंगा और आप लोग का पास एक रात रुक के मैं जाऊंगा, आप लोग का साथ घूमूंगा और पूरा उमरांगसु साइकिल या मोटरसाइकिल से घूमूंगा, सबको साथ मिलूंगा, ठीक है ना? आप लोग का साथ सबको दोबारा मिलूंगा। और यही बताते हुए मैं दोबारा सरस्वती विद्या निकेतन का सारे कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारा काउंसिल को, हमारा गार्लोसा जी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ। मेरा साथ दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं फिलहाल आगोर पहुंच गया हूँ, वीडियो वहाँ पे मैं एंड नहीं किया था, एंड करने का समय नहीं मिला था, तो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का व्लॉग, आज का वीडियो आप लोग इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट में बताएं कैसा लगा, एंड चैनल में नया आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थोड़े बाय बाय थोड़े बाय।